खत्रियों का निचला आवास स्थित माँ हिंगला शक्तिपीठ में शनिवार को फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। क्षेत्र की महिला मंडल की ओर से आयोजित किए गए फाग महोत्सव के दौरान महिलाओं ने फाल्गुनी भजनों के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। अंत में राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजा गुलाल व फूलों से होली खेली गई। फागोत्सव के दौरान महिलाएं झूमती नजर आई। थार नगरी में होली के त्योहार की धूप मची हुई है। अभी से ही रंगों के इस त्योहार की मस्ती थार वासियों पर सिर चढ़कर बोल रही है। जहां त्योहार से पहले बाजार खरीदारी से गुलजार हो गए, तो फाल्गुन का खुमार भी थार वासियों पर छाया हुआ है। शनिवार को खत्रियों का निचलावास स्थित हिंगला शक्तिपीठ में ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज की महिलाओं द्वारा फागोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। हिंगला शक्तिपीठ में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं की ओर से फाल्गुन के गीत गाए गए और इन गीतों पर लूर भी लिया गया। इस दौरान महिलाओं ने भजनों की भी प्रस्तुतियां दी, जिस पर कई महिलाएं झूमती नजर आई। फागोत्सव में दर्जनों महिलाओं ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान सीता देवी, सुशीला, ललिता, जयश्री, भवरी, कृष्ण देवी, पुष्पा, गीता, दुर्गा, उदी देवी, नर्मदा, राधा, हरप्यारी, विमला, उषा, तुलसी, जशोदा, मीना, लीला, राधा समेत दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं। फागोत्सव के दौरान महिलाओं की ओर से राधा और कृष्ण के भजनों के साथ ही जमकर फूलों से होली खेली गई। इस दौरान महिलाओं में उत्साह चरम पर पहुंच गया। महिलाओं ने भगवान राधे कृष्ण की झांकी सजाकर गुलाल व फूलों से होली खेली।